नमस्कार, मैं गिरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ हीरा एग्रो इंडस्ट्री में। हमने पीछे भी कुछ वीडियो बनाई थी ड्रिप इरिगेशन की ट्रेनिंग, तो आज वही वीडियो को हम अगला पार्ट बना रहे हैं। और यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण क्यों रहती है कि जो हमारे इंजीनियर है जो सुबह 8 से शाम 6 बजे तक आपके सेवा में उपलब्ध रहते हैं, तो उनको देश भर के कई किसान रोज़ कॉल करते हैं और अपने अपने मन में जो भी दुविधा है, फिर वो दुविधा ड्रिप इरिगेशन के बारे में रहे, स्प्रिंकलर के बारे में रहे, रेनगन, मल्चिंग पेपर या ये आदि चीज़ों के बारे में रहे, तो वो सवाल उनको पूछते हैं और उसका सॉल्यूशन वो लोग साथ में पाते हैं। लेकिन वहीं पे क्या हो जाता है कि सही में ऐसा कुछ सवाल आ जाता है कि जिसका नॉलेज हमारे इंजीनियर को भी कम रहता है, उनके आयुष्य में, उनके लाइफ में वो सवाल पहली दफ़ा आता है तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस सदर में हम ऐसे ही सवालों का जिक्र करते हैं, ऐसे ही सवाल आपके लिए लाते हैं और उसका जवाब मैं खुद देता हूँ। तो इससे क्या होता है कि अगर आपने खेती कर रहे या खेती करने वाले हो तो आपको भी जो सवाल मन में आने वाले हैं वही सवालों का जवाब अभी आपको मिल जाएगा, तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो आज हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। लेकिन हर वीडियो में मैं जैसे रिक्वेस्ट करता हूँ और आप सभी लोग उसको बहुत अच्छे से प्रतिसाद देते हैं, तो वैसा ही सवाल मैं आज आपको पूछने वाला हूँ और मैं अपेक्षा करूँगा कि उसका जवाब आप कमेंट में देंगे। तो आज का सवाल ऐसा है कि अगर आप ड्रिप इरिगेशन कर रहे तो आप कितने लीटर का ड्रिपर इस्तेमाल कर रहे, और अगर आपने ड्रिप इरिगेशन नहीं कर रहे तो आप अभी कौन से टेक्नोलॉजी से पानी दे रहे, मतलब फ्लड इरिगेशन कर रहे या क्या कर रहे, उतना सिर्फ कमेंट में बताइए। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी रहता है क्योंकि इसी के ऊपर हमारा अगला क्या कंटेंट बनाना है ये तय होता है। तो अभी देर ना करते हुए पहला सवाल लेते हैं। तो ये जो आजू बाजू में आपको जो दिख रहे ये हमारे ही इंजीनियर है, तो इनको जो सवाल आप में से किसी ने पूछा है वही सवाल का जवाब वो मुझे आज पूछेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पहला सवाल आप पूछिए। सर, मेरा पहला सवाल है कि जो अपन ड्रिप इरिगेशन करते हैं इसमें जो मोटर होती है को अलग तरीके से मोटर होती है सर? नहीं, मैं इसका जवाब थोड़ा डिटेल में देना चाहूँगा। ये सवाल काफ़ी किसान भाइयों के मन में आता है कि उनको अगर ड्रिप इरिगेशन करना है तो इसके लिए कुछ अलग मोटर का इस्तेमाल करना पड़ता है क्या, या ये कुछ अलग मोटर का प्रकार आता है क्या, या उनके पास अभी मोटर है और अगर ड्रिप इरिगेशन करना है तो उनको मोटर चेंज करनी पड़ेगी क्या? तो बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। हमने कई वीडियो में किसानों को ये समझाया है कि अगर आपके पास पहले से मोटर है तो 99.99% वो ट्राई करना चाहिए कि वही मोटर पे किसानों का ड्रिप चलेगा। तो वो कैसे चलेगा, उसके लिए क्या करना, वो जवाब मैं आपको देता हूँ कि इसके लिए हमने एक मतलब टेक्नोलॉजी तो नहीं बोल सकते लेकिन एक फॉर्मूला बनाया है कि बाईपास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए शुरुआती दौर में किसानों ने ये तय करना कि उनके पास कितना पानी है और वो पानी कितने क्षेत्र में एक साथ सिंचाई करने के लिए सफिशियंट है, और उस हिसाब से उनका जो भी खेत है उसके टुकड़े गिरा के वहाँ पे मैनेजमेंट करके वही मोटर से सिंचाई करना चाहिए। ये सही तरीका है। मतलब ये थोड़ा सुनने में अजब गजब लगा होगा लेकिन मैं आपको विस्तार में बताता हूँ कि देखो, आपको मान लीजिए कोई किसान का फ़ोन आया कि सर मेरे पास 4 एकड़ ज़मीन है और मुझे ड्रिप इरिगेशन करना है, तो आपका पहला सवाल क्या रहना चाहिए, सर आपके पास मोटर है क्या या मोटर इस्तेमाल कर रहे क्या? तो उन्होंने बोल दिया कि हम कर रहे। अभी आप एक चीज़ समझो कि अगला सवाल आपका क्या आएगा कि कौन सी मोटर है, तो वो ठीक है, वो मोटर पानी में रहने वाली ओपन वेल रहे, उसमें भी खड़ी एक मोटर आती है, आड़ी एक मोटर आती है, बराबर। उसके बाद पानी के बाहर जो मोटर रखी जाती है उसको मोनोब्लॉक बोलते हैं, वो रहे या सबमर्सिबल पंप रहे। कई बार क्या होता है कि आपके मन में एक दुविधा होगी कि किसी ने बोरिंग किया है तो ही वो सबमर्सिबल पंप का इस्तेमाल करेगा, नहीं, बहुत जो नदी से पानी उठाते हैं ना वो लोग भी सबमर्सिबल का इस्तेमाल करते हैं, या उनके पास डीजल इंजन रहे, ये सब सामान उनका इलेक्ट्रिक पे चलने वाला रहे या सोलर पे चलने वाला रहे उससे कोई फर्क नहीं गिरता है।
ये सभी प्रकार के इक्विपमेंट के ऊपर ड्रिप इरिगेशन काम करता है, आया समझ में? लेकिन ऐसा अभी जैसा मैंने आपको पूछा कि उनके पास है तो कोई भी प्रकार है इसमें का, हाँ, अभी उनको क्या बोलने का कि सर आपको 4 एकड़ का जमीन है आपका, मैं आपको एग्जांपल भी निकाल के दिखाता हूँ कि ये मान लीजिए 4 एकड़ का उनका प्लॉट है, हो गया। अभी एक चीज़ पहले से हम लोगों ने किसानों को बताई हुई है कि जो सबलाइन डालते हैं या जो कॉक डालते हैं कि जो कॉक खोलने के बाद उतनी एरिया में सिंचाई होगी, वो कॉक एक एक एकड़ का ही डालना है, वो डेढ़ डेढ़ एकड़ दो दो एकड़ के नहीं करना है, ठीक है। वो एक से सवा हो गया ये बात अलग है, मतलब मान लो कि ये 4 की जगह 4.25 एकड़ हो गया, तो जो ऊपर का 0.25 है उसके लिए अलग से कॉक लगवाने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो 0.25 चार एरिया में डिवाइड कर दिया तो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहिए। अभी मान लो यहाँ पे उनका जो भी पानी का सोर्स है और यहाँ पे उन्होंने ये सबलाइन डाली है, और ये सबलाइन को मैं दूसरे रंग से दिखाता हूँ कि इस तरीके से उन्होंने जो ड्रिप की नलियाँ है वो डाली है, हो गया। अभी ये देखिए, ये अगर 1 एकड़ क्षेत्र मानते हैं तो ये बराबर है, लेकिन 4 एकड़ है तो 4 कॉक आने चाहिए, तो किसान भाइयों ने इसको कैसे जोड़ा होगा? एक अजम्पशन है कि ऐसा ही जोड़ा होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादा के तौर पे ऐसा ही हो सकता है कि 1, 2, 3, 4 ऐसा 4 एकड़ हो गया, तो ये उनके जो भी पानी का सोर्स है उसको जोड़ दिए। अभी ये जो पाइपलाइन है ये यहाँ से जा सकती है, यहाँ से जा सकती है, इसके बगैर से जा सकती है, उससे कोई फर्क नहीं गिरता। अभी आइडियल कंडीशन में किसानों ने क्या करना चाहिए कि यहाँ पे ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल हमेशा के लिए याद रखो कि राउंड में क्रॉस, ये वॉल वॉल का सिंबल है, वॉल का सिंबल है। तो ये देखो, अभी ये 4 एकड़ है तो 4 कॉक हो गए, समझ में आया कि 1 कॉक खोला तो 1 एकड़ का सिंचाई हो जाएगा, 2 कॉक खोला तो ये 2 एकड़ का सिंचाई हो जाएगा, 3 कॉक खोला तो ये 3 एकड़ का सिंचाई हो जाएगा, 4 कॉक खोला तो ये 4 एकड़ का सिंचाई हो जाएगा। अभी यहाँ पे एक बाईपास निकाल के रखना चाहिए। बाईपास क्या रहता है इसके ऊपर हमने कई वीडियो बनाई है, आप वो देख लीजिए कि वहाँ पे मेन पाइपलाइन को टी लगवा के उसको एक कॉक लगवा के छोड़ देना, इसको बाईपास बोलते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर इधर कुछ प्रेशर बढ़ रहा है या मेंटेन नहीं हो रहा है तो ये खोल दिया तो डाउन आ जाता है प्रेशर, और आपकी पाइपलाइन नहीं फूटती है, और आपको समय मिलता है कुछ काम करने के लिए, हो गया। अभी शुरुआती दौर में उन्होंने, उनको नहीं मालूम कि ये मोटर पर कितना एरिया चलने वाला है। अभी ठीक है, मैं ये बोल सकता हूँ कि सर आप एक काम करो, 10 मिनट के लिए मोटर का पानी गिनो, और आपको मालूम है 1 एकड़ में 4 लीटर के कितने ड्रिपर लगे हैं, और उस हिसाब से भी आप प्लानिंग कर सकते हो कि मान लो आपका अगर 1 घंटे में 40,000 लीटर पानी आ रहा है, और आपको 1 एकड़ को अगर 40,000 लीटर पानी 1 एकड़ को लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके मोटर पर एक समय पर 1 एकड़ का सिंचाई होगा। लेकिन ये थ्योरेटिकल हो जाता है, अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ ये पूरा प्रैक्टिकल है। तो इसमें क्या करना कि शुरुआत में ये बाईपास पूरा ओपन रखना, और ये सब कॉक ओपन रखना, और मोटर चालू करना, और सबसे पहले ये चेक करना कि यहाँ पे सब जगह बराबर प्रेशर आ रहा है क्या। ऑफकोर्स बाईपास है तो नहीं चाहेगा, लेकिन धीरे धीरे बाईपास बंद करके इधर चेक करते रहना। ये वन टाइम करना है, ऐसा नहीं कि रोज करना है। ये कोई भी टेक्नोलॉजी रहे, ड्रिप रहे, स्प्रिंकलर रहे, रेन गन रहे, इस तरीके से शुरुआत में पहली दफ़ा सिर्फ आपको ये चेक करना है कि आपके पास जो पानी है वो पानी को आप सही से बांटेंगे, आया समझ में? हाँ, तो मान लीजिए अब ये बाईपास पूरा बंद हो गया और ये पूरे 4 एकड़ को बराबर पानी जा रहा है, सब जगह उनको ड्रिप लगवाया हुआ है, और 1-1 kg प्रेशर एकदम सही से मिल रहा है, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि उनके पास इतना पानी है जितना एक समय पे 4 एकड़ को पूरे सा है।
लेकिन अभी मानिए यहाँ पे उन्होंने रेनगन लगवाई है, अभी रेनगन को प्रेशर ज़्यादा लगता है, तो प्रेशर ज़्यादा लगता है तो फिर ये यहाँ पे चलेगा ही नहीं एकदम सही से। तो उनको मान लीजिए तो उनको दो कॉक या तीन कॉक बंद करने पड़ेंगे और फिर उतना प्रेशर तैयार होगा जितना वहाँ पे लगने वाला है। तो अभी वापस ड्रिप के एग्जांपल पे आते हैं कि अभी ऐसा अपन ने एजुम्पशन किया था कि इतना पानी है कि 4 एकड़ बराबर चल रहा है, लेकिन मानो कि बाईपास पूरा बंद करने के बाद भी इतना पानी है कि जो 4 एकड़ को सफिशियंट हो रहा है, लेकिन मानिए अभी कि उतना पानी नहीं है, पूरा बाईपास बंद हो गया और यहाँ पे भी एक जैसा प्रेशर नहीं मिल रहा है, तो क्या करना? तो फिर वो किसान भाई ने पहले एक कॉक बंद करना और वापस चेक करना कि अभी 3 एकड़ को सिंचाई हो रही है क्या। मान लो नहीं हो रही है तो दूसरा कॉक बंद करना और वापस चेक करना कि 1 एकड़ को सिंचाई हो रही है क्या। और मैंने आपको जैसे वीडियो के शुरुआत में बोला था कि बाईपास का मान लो अभी क्या हुआ कि ये दो कॉक बंद किए और एकदम प्रेशर से अप जा रहा है, तो आपको पाइपलाइन फटने का डर रहेगा। तो ये बाईपास आपने निकाल के रखा है तो आप क्या करेंगे, फटाक से वो खोल देंगे, प्रेशर डाउन आ जाएगा तो आपको समय मिलेगा काम करने के लिए। तो ये देखो यहाँ पे बाईपास का ऐसा फ़ायदा होता है। अभी मान लीजिए कि 2 एकड़ ये दो कॉक बंद करने के बाद एकदम सही से हर जगह 1 kg प्रेशर आ रहा है और सही से ड्रिप इरिगेशन हो रही है, तो इसका अर्थ क्या है कि आपके पास इतना पानी है कि जितना 2 एकड़ को सफिशियंट है। बराबर समझ में आया? अभी मानिए कि नहीं, अभी ये दो कॉक बंद करने के बाद भी एक कॉक बंद किया या एक कॉक और बंद करना पड़ रहा है और एक ही कॉक पे ये सब बराबर चल रहा है, तो इसका अर्थ क्या है कि आपके पास इतना ही पानी है जितना 1 एकड़ को पूरेगा। फिर आप 1 एकड़ को सिंचाई कीजिए, 2-2.5-3 घंटे में 1 एकड़ को ड्रिप के माध्यम से सिंचाई हो जाती है, फिर 2 एकड़ को कीजिए, फिर 3 एकड़ को कीजिए, फिर 4 एकड़ को कीजिए। तो इस तरीके से आपके पास जो भी मोटर है उसका यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है। ये चीज़ मैंने कई वीडियो में बार बार बता रहा हूँ क्योंकि ये अभी बारिश के दिन है, अभी किसान इसके बाद ड्रिप करने का सोच रहे तो उनके मन में ये सबसे बड़ी दुविधा हो रही है। लेकिन सवाल था कि ड्रिप इरिगेशन के लिए कुछ अलग मोटर का इस्तेमाल करना क्या, तो देखो एक तो ये हो गया कि जो मोटर है वही मोटर से आप कैसा प्लानिंग करेंगे। अभी मान लीजिए कि आप नए से मोटर डाल रहे, आपको नई ही मोटर खरीदना है, तो क्या फ़र्क गिरेगा? तो एक चीज़ रहती है कि कोई भी मोटर रहती है ना उसके डिलीवरी मतलब हेड रहता है। हेड मतलब क्या कि वो मोटर कितने लंबाई तक और कितने ऊंचाई तक और कितने लंबाई तक कितना पानी पहुंचा सकती है। हर एक मोटर का अपना हेड रहता है, हर एक मोटर कुछ हेड के लिए बनाई रहती है। अगर उससे ज़्यादा या उससे कम हेड का इस्तेमाल किया तो मोटर की कैपेसिटी कम हो जाती है। आया समझ में? तो मान लीजिए कि आपकी मोटर 90 मीटर की हेड है, अभी वो फीट में निकाला तो कितना हो जाएगा, मोटा मोटी 250 फीट। अभी 250 फीट का मोटर है और कुआ है मान लीजिए 150 फुट गहरा, तो जो आपने अगर 150 फीट गहरी मोटर डाली है तो ये 250 में से 150 गया, अभी आपका मोटर का हेड कितना बचा, 100 फीट। आया समझ में? अभी जब प्लेन पाइपलाइन रहती है, कोई चढ़ नहीं उतार नहीं है, वहाँ पे 1000 फीट को हम 1 फीट ऐसा हेड कैलकुलेट करते हैं। मतलब 1000 फीट पानी लंबा जब जाएगा तो मोटर का 1 फीट इस्तेमाल होगा। अभी मान लीजिए 2000 फीट पाइपलाइन गई है तो 20 हेड वहाँ पे यूज हुआ, 150 नीचे हो गया, 20 वहाँ पे हुआ, 170। लेकिन जहाँ पे आपने बोरिंग से या जो कुएं से पानी ऊपर निकाला था वहाँ से जो आपका खेत है वो 30 फीट धीरे धीरे चढ़ाई में ऊंचा है तो वो 30 वैसे के वैसे ऐड हो जाएगा। तो 170 और 30 कितना हुआ, 200। तो अभी क्या होगा कि 200 आपने 250 मोटर थी आपकी 250 फीट हेड की, अभी आपने 200 इस्तेमाल कर रही है, ठीक है एक रेंज में चलता है। तो वहाँ पे क्या होगा कि जब पानी आप आपके पाइप से निकालेंगे ना तो प्रेशर मिलेगा आपको और ड्रिप इरिगेशन के लिए प्रेशर लगता है, तो यहाँ पे वो मोटर आप इस्तेमाल कर पाएंगे।
लेकिन मान लीजिए कि यही गणित अगर आपका बराबर 250 फीट आ जाता था हेड का, तो क्या होता था कि जहाँ पे पानी निकलता था वहाँ पे वो पानी प्रेशर के साथ नहीं निकलता था, सिर्फ निकल के नीचे गिर जाता था। अभी ये पानी का इस्तेमाल किसान फ्लड इरिगेशन के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन ड्रिप स्प्रिंकलर के लिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ड्रिप के लिए कम से कम 1 kg प्रेशर चाहिए और स्प्रिंकलर के लिए कम से कम 2.5 kg प्रेशर चाहिए। तो जैसे मैंने उदाहरण बोला कि पहले 250 फीट हेड आ रहा था मोटर का, आपने 200 फीट इस्तेमाल किया, 50 फीट बच रहा है, तो उसमें तो 1 kg प्रेशर बन रहा है। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि कितना हेड बचेगा तो कितना प्रेशर बनेगा, एक थंब रूल है। तो वहाँ पे ड्रिप तो चल जाएगा लेकिन स्प्रिंकलर नहीं चल पाएगा, क्योंकि स्प्रिंकलर के लिए आपको 2.5 kg प्रेशर बनाना है, तो वो आपको तकलीफ दे सकता है। तो इस तरीके से मोटर का आपको चुनाव करना रहता है। अभी ये टेक्निकल चीज़ हो सकती है कि किसान भाइयों को नहीं समझ में आएगी, या जैसे मैंने उनको बताया वैसे आप नहीं बता पाएंगे। तो इसका बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको बता देता हूँ कि आपको अगर ड्रिप का इस्तेमाल करना है तो आपको वहाँ कम से कम पानी का 1 kg प्रेशर मिलना चाहिए, अगर आपको स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करना है तो वहाँ कम से कम पानी का 2.5 kg प्रेशर मिलना चाहिए। तो जो कोई किसान भाई जो कोई मोटर खरीद रहा है वो दुकानदार के पास जब जाएगा तब ये चीज़ उसको बता देना कि भैया जिस पॉइंट पे हमारे को पानी निकालना है वहाँ पे हमको पानी प्रेशर के साथ निकलना चाहिए। तो वो जब हेड कैलकुलेट करेगा तो वो 5 या 10 फीट का हेड बढ़ा लेगा मोटर में, और वो मोटर का आपको वहाँ पर इस्तेमाल करते आएगा। समझ में आया? तो ये संदर्भ में कोई प्रश्न है कि आपके, वीडियो बड़ी नहीं बनाना है मुझे, तो सिर्फ ये कि भाई ड्रिप इरिगेशन के लिए कोई अलग मोटर का इस्तेमाल करना पड़ता है क्या, या ड्रिप इरिगेशन के लिए कौन से मोटर का इस्तेमाल करें, ये मैंने आपको अभी जो बताया, इसमें आपके मन में कोई दुविधा कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं है, सबको समझ में आ गया? अभी देखो जिस मैं वापिस एक बार रिटर्न करता हूँ, एक बार वापिस आपको बताता हूँ कि ये सब टेक्निकल बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, हो सकता है कि आप किसानों को नहीं समझा पाएंगे। तो एकदम सादा सा फार्मूला है कि भाई आप, एक तो आपके पास मोटर है तो वही तरीके से आपको पहले ढूंढना है कि आपके मोटर के ऊपर ड्रिप चलेगा या स्प्रिंकलर चलेगा, तो वो तो सिंपल है। लेकिन नई मोटर खरीदना है तो आप जब कभी कोई भी दुकानदार से जब मोटर खरीद रहे तो वहाँ पे वो दुकानदार को बोलना कि यार कंपनी के इंजीनियर से मेरी बात करवा के दे, और वो इंजीनियर को सब मालूम रहता है कि हेड मतलब क्या, या ड्रिप इरिगेशन के लिए कम से कम 1 kg प्रेशर चाहिए, या स्प्रिंकलर इरिगेशन के लिए कम से कम 2.5-3 kg प्रेशर चाहिए। तो उनको सिर्फ उतनी चीज़ ध्यान में ला के देना है कि मुझे थोड़ा जो भी हेड निकलेगा मेरे गणित के हिसाब से उसमें थोड़ा ऐड करके मोटर दो, तो आपका वहाँ पर वो काम हो जाएगा। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि जो चीज़ मैंने आपको सिखानी चाहिए वो आपको समझ में आई होगी, और अगर आपके मन में इसके बारे में कोई भी सवाल आता है तो अगले वीडियो में ज़रूर पूछिए, मैं आपको बताऊँगा। धन्यवाद।